गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और देखिए, स्कूल जाने की तैयारी चल रही है। यशिका रानी भी इधर तैयार हो गई, पूरी तैयारी हो गई ना बेटा, खाली छोटी बच्ची है। और इधर बस बच्चों को ब्रेकफास्ट खाना, ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, आरती बना रही है। गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, मॉर्निंग में फ्रेंड्स हम सारे लोग तैयार होते हैं और फटाफट बस निकलने की सोचती है। कैसे भी अपने अपने स्कूल पहुंचे। हर्षित दही रख रहा है खाने के लिए, मॉर्निंग में हर्षित दही लेना पसंद करता है। क्यों हर्षित, अच्छा लगता है ना, पौष्टिक भी रहता है, दही लेना चाहिए ब्रेकफास्ट के साथ। और यशिका भी कुछ खाती है, दही वगैरह खाती है ना रानी बेटी? तुम तो पसीना आ रहा है बेटा। दही अच्छी लगती है, दही अच्छी लगती है, दही अच्छी लगती है। नहीं, दही भूरा। अच्छा, दही भूरा, चलो खाना चाहिए। ठीक है, जल्दी करो भैया एकदम। और सुनो हर्षित ना भैया, मन से पढ़ा करो स्कूल, जोश से, ठीक है, पूरी जान लगा दो कस के। हाँ, जब पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तभी तो सफलता मिलेगी। तो जल्दी बेटा, हर्षित आओ बेटा, कहाँ गया, अभी आया नहीं है? आओ जल्दी, आओ दौड़ के आओ। चूहे की चाल जाना है, बिल्ली की चाल आना है, ये जोश में चला करो, जोश में पढ़ाई किया करो। ठीक है, बिल्ली की चाल आना है। हाँ जी, नहीं दोनों चाल नहीं, डिफरेंट रहनी चाहिए ना। हाई कमांड का आदेश मिला है ऊपर से कि बच्चों को जल्दी ले जाओ स्कूल, मेरा स्कूल लेट रहता है, बच्चों का जल्दी आदेश का पालन किया जाए। बच्चों बैठो, सिट डाउन प्लीज। बच्चों रेडियो सभी, अच्छे भैया कैसे, अच्छे भैया कैसे, अच्छी दीदी कैसी, अच्छी दीदी कैसी, ओके लेट्स स्टार्ट प्लीज। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है शाम के 6 बजे का समय और हम लोग जा रहे हैं, वही मार्केट जा रहे हैं छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए। अंशिका के सैंडल खराब हो गए हैं, हाँ जी, हर्षित के भी खराब हो गए हैं, तो वही लेने जा रहे हैं। एक ना एक खर्चा लगा ही रहता है हर महीने। लगाई रहता है। आप लोगों को भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ का मार्केट भी, दिखाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। बिल्कुल। और वैसे तो हमको कैमरा वो शूट करने में थोड़ी मार्केट में अभी शर्म आ रही है, फिर भी पूरी कोशिश करेंगे हम अपनी, जितना भी हो सकता है उतना बनाने की। तो चलिए निकलते हैं। हाँ, निकलते हैं जी। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, निकल गए। पसंद आया? कौन सी वाली? ये नहीं, हाँ इसमें क्या ठीक है। कैसी है, बढ़िया है? कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये वाली? और इनमें कोई पसंद नहीं आ रही? हम लोग आ चुके हैं मार्केट से वापस और आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यशिका की बैली से। ये यशिका के लिए बैली लेके आई हूँ जो इनको साइज में नहीं हो रही है। इनका पैर एक्चुअली बहुत बड़ा है, मेरे साइज में नहीं आ रही है, इनके साइज का मिला ही नहीं है। ये लास्ट साइज था उनके पास, इससे बड़ा नहीं था। तो अब देखते हैं इनके लिए सैंडल लाया जाएगा, बैली इनको नहीं होती है। और ये है आज सारी चप्पल सैंडल, पूरी मार्केट लग गई है चप्पल सैंडल की। ये डेली यूज के लिए, ये भी इसका के लिए, आज पूरे घर का। हाँ, सुन स्लीपर ही आया है भाई हर्षित का। और ये जानते हो खरीदारी किस लिए हो रही है? नेक्स्ट मंथ में कहीं जाना है ना बेटा? हाँ, कहाँ जाना है बताओ। ये है
यशकार के पापा के सैंडल। ये मेरे सैंडल है भाई, ये तो मुझे मेरे लगे थे। नहीं ये मेरे सैंडल है, सबके है। ये मेरी स्लीपर, अब वो क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि ये स्लीपर रखा जाए कि इसका वाली जो बैली है ये मुझे साइल में होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि स्लीपर रिटर्न करके बैली रख लूँ। आप लोग बताइएगा क्या बेस्ट रहेगा, स्लीपर या बैली, वही रखूँगी मैं। एक जोड़ी रिटर्न जाएगा इसमें से। बस यही थी आज की शॉपिंग, इसमें ही बहुत टाइम चला गया, पैसे भी बहुत खर्च हो गए। पापा जी खड़े हैं यहाँ पे, पापा जी हाय हेलो कर दो अपने दोस्तों को। ये टपकती है नीचे। शॉपिंग तुम्हारी हो गई सुमंत जी? शॉपिंग बच्चों और ये तो हम तुम्हारे लिए करके लाए, एक एक आइसक्रीम खाओ आराम से। ये अभी निकल गया है ना, थोड़ी देर उसमें रख दो फ्रिज में। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग लौटे हैं शॉपिंग करके और पूरे घर के जूता चप्पल खरीदे गए भाई आज। किसका खाली आइसक्रीम? बैली तुम्हारी कैसी रही? बैली अच्छी तो थी, लेकिन वो बनी नहीं मेरे साइज। अच्छा साइज का इशू हो गया ना, कल चलेंगे यशका को लेकर जाएंगे फ्रेंड्स चेंज कराने। और इधर हर्षित करने लगा पढ़ाई, हर्षित तो मोस्टली फ्रेंड्स पढ़ता ही रहता है, कहना नहीं पड़ता, आज्ञाकार बाबू है। हाँ यशका भी पढ़ती है, लेकिन यशका बेटी से कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है तब यशका पढ़ती है, लेकिन हर्षित हर्षित बाबू से नहीं कहना पड़ता, आज्ञाकारी बच्चा है। आज्ञाकारी बच्चा है, अच्छे से करती पढ़ाई लिखाई। और इधर आरती लगी है अपने काम में, आज थोड़े लेट हो गए हम लोग शॉपिंग के चक्कर में। बस यही बर्तन अभी आके साफ किए हैं। हाँ जी, खाना कोई खा नहीं रहा है, वही दूध गर्म करके सबको दे देती हूँ। बिल्कुल यही डिनर की छुट्टी, डिनर की छुट्टी है। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि पानी पानी पानी, बस शरीर पानी ही पानी। शाम को खाना खाने की ज्यादा इच्छा नहीं रहती फ्रेंड्स, हम लोग नाश्ता कर लिए और गर्मियों में पानी ज्यादा पीना चाहिए और हो जाएगा कुछ। इसका कुछ कह रही है, क्या कह रही है? गर्मियों में पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, खाना थोड़ा सा कम। हाँ खाना थोड़ा सा कम। तो बस यही था सब लोग, और बताइएगा जरूर हमारी शॉपिंग, वो सैंडल और स्लीपर की शॉपिंग आपको कैसी लगी? बिल्कुल यशका का पैर मुझसे भी ज्यादा बड़ा, मैं अपने पैर से यशका के लिए जो बैली लाई हूँ थोड़ा मेरे पैर में ढीला होता है, फिर भी इनको साइज का नहीं हुआ है। इससे बड़ा साइज उसके पास था ही नहीं, जिस लास्ट साइज में उसके पास लेके आई। इसका पैर काफी हैवी है, मेरे पैर भगवान ने मुझे बहुत बड़ा बहुत बड़ा दिया है। आरती का मनोबल फ्रेंड्स सातवें आसमान पर है, आप देख सकते हैं जी, व्यूज कम आते हैं लेकिन फिर भी आरती का हिम्मत नहीं आरती। समय लगता है, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती, अपने परिवार का पूरा आशीर्वाद मार्गदर्शन सब अपने साथ है, चिंता भी क्या बात है बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहो। इससे जब कोई काम कर रहे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, हर चीज में सीढ़ी बाय सीढ़ी इंसान को चढ़ना पड़ता है। बिल्कुल एकदम छत कोई नहीं चढ़ पाता है, और जो एकदम चढ़ने की कोशिश करता है वो गिरता भी है। ये आरती काफी अच्छी मोटिवेटर है, मुझे मोटिवेट करती रहती है, समय लगे पूरे घर को मोटिवेट करती है। पापा जी ये देखो मुझे बचा दो, ये सिखा क्या कर रही है, ये देखिए फ्रेंड्स ये सिखा की कॉमेडी, गिर जाएगा भैया यशका गिर जाएगा, ये सिखा ऐसे ही करती रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस अपना सपोर्ट बनाए रखें और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।